देख रहे हैं अमेजिंग डक वीडियोस। मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने यूट्यूब में अपनी पसंद का जो यूआरएल होता है, मतलब जैसे आपका होता है www.youtube.com/ जो भी आपका चैनल का नाम होता है, वो किस तरह आप अपनी मर्जी से एड कर सकते हैं और उसको किस तरह से आप एडिट करके अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सभी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, जो भी सवाल आपको पूछना होगा किस तरह क्या करना है। चलते हैं वीडियो की जानिब। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम यहाँ से आपको बताएंगे किस तरह से आप अपनी मर्जी का यूआरएल पर सेट कर सकते हैं। यूआरएल बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप लोग किसी फ्रेंड्स को भी देना चाहें इजीली दे सकते हैं, बता सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं और इसको अपनी मर्जी से आप एडिट करके जो चाहें यूआरएल पर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में जाएं या आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें डेस्कटॉप अगर साइट है उधर जाएं। हमने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया अपना, यह हमारा ऑलरेडी अकाउंट साइन इन है यूट्यूब का, आप लोग इस पर साइन इन कर लिएगा अपना। और ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आप यहाँ से इसको डेस्कटॉप साइट कर लिएगा, यहाँ से हमने भी यहाँ से कर लिया जैसे क्लिक करके, जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ से इसको डेस्कटॉप साइट कर लिएगा वरना नहीं होगा सही तरह काम आपका। और लैपटॉप वाले लोग हजरात तो खुद ही कर सकते हैं, उनमें तो जाहिर सी बात है डेस्कटॉप ही खुलता है उनके क्रोम ब्राउज़र में। तो हम जो अपना जो हमारे चैनल का नाम दिख रहा है हम यहाँ क्लिक करेंगे, आप लोग भी जो आपका चैनल का नाम है यहाँ क्लिक कर लिएगा। अपने नाम पर क्लिक करा, जैसे कि देख रहे हैं हमने क्लिक करा तो ऑप्शन आ चुके हैं। इसमें जो ऑप्शन आ रही है नीचे सेटिंग्स की आपको दिख रहा होगा, स्टार बना हुआ सेटिंग्स का, हमको यहाँ जाना, हम यहाँ जाते हैं। हमने जैसे क्लिक करा तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गई है, आपको जूम थोड़ा कम करके दिखाऊँ। हमारे सामने ऑप्शन आ रही है, सबसे ऊपर अकाउंट खुला हुआ हमारे पास, अकाउंट में जो ऑप्शन जो आ रही है हमारे इधर चैनल स्टेटस एंड फीचर्स, हमें यहाँ क्लिक करना है इस ऑप्शन पे जो आ रही है। आपको और जूम कर दूँ ताकि और आसानी हो देखने के लिए। इस पर फर्स्ट वाली ऑप्शन में क्लिक करा हमने यहाँ चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पे, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का पेज खुल जाएगा। और आपको जैसे दिख रहे हैं थर्ड वाली लाइन जो लास्ट लाइन है उसमें आप आएंगे सेकंड वाली ऑप्शन पे, इधर आपको दिख रहा है कस्टम यूआरएल, इधर लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर अ कस्टम यूआरएल क्लेम इट हियर। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको जब भी ये इनेबल होगी ऑप्शन, जिनके 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके होंगे और जिनके चैनल को 1 महीना पूरा हो चुका हो 30 डेज, और उन्होंने अपना चैनल का बैनर जो होता है वो भी अपलोड कर चुके होंगे और अपने चैनल की पिक होगी वो भी अपलोड कर चुके होंगे, उनके पास ही ये ऑप्शन खुलेगी वरना नहीं खुलेगी। तो आप लोग जिसका हो चुका है 100 सब्सक्राइबर्स और 30 डेज, वो अपने चैनल का बैनर भी अपडेट कर लें, अपलोड कर लें और अपनी प्रोफाइल पिक भी अपलोड कर लें ताकि आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकें। तो हम चलते हैं हेयर लिखकर इस पर क्लिक करते हैं। हमने हेयर पर क्लिक करा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ थोड़ा टाइम लिए खुल चुका है, यहाँ आपको दिख रहा है ये सबसे ये जो लिखा हुआ है इधर यूज़र आईडी लिखी है सबसे पहले, फिर चैनल आईडी लिखी है, जो थर्ड पे लिखे कस्टम यूआरएल, इधर लिखा यू आर एलिजिबल फॉर अ कस्टम यूआरएल क्लेम इट हियर। हम यहाँ क्लिक करें क्लेम इट हियर पे कि हमें यहाँ से अपना यूआरएल खुद बनाना है। यहाँ से जैसे कि देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्शन आ चुकी है, खुल चुका है। तो हमें खुद सजेशन से देख रहे हैं, फर्स्ट पे क्लिक हुआ अमेजिंग टेक वीडियोज़ पे, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है ऊपर रेड कलर का जो आइकन बना यूट्यूब का, के youtube.com/c/AmazingTechVideos। अगर हम चाहें इसको कस्टम अपनी मर्जी से चाहें तो इसको कर सकते हैं। जो नीचे आपको सेकंड ऑप्शन दिख रही है हम क्लिक करेंगे, जैसे कि देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्शन खुल गई, यहाँ हम इसको अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकते हैं अगर हम चाहें, अमेजिंग टेक वीडियोज़ का कुछ लिखना चाहें इसके बीच में जो चाहें वो भी कर सकते हैं, मगर हम इसको कैंसिल करके बैक कर लेते हैं, हमारे लिए जो भी बेहतर है हम उसी को कर लेते हैं, सही तो हमारे लिए बेहतर था। हमारे लिए वही बेहतर था जो फर्स्ट वाली हमारे सामने ऑप्शन खुली थी, हम इसको क्लिक कर लेते हैं दोबारा। ऑटोमेटिक क्लिक हुआ आप जैसे कि आ रहा है, जब आप लगाने लगे तो ये नीचे लिखा हुआ आई हैव रीड एंड एग्री टू द कस्टम यूआरएल टर्म्स एंड ऑफ यूज, इस पर क्लिक कर लेगा, इस बॉक्स पे हमने यहाँ ओके कर दिया। इसको यहाँ से हम चेंज यू आर एल पे ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा कन्फर्मेशन के लिए मांग रहे, देखो हमको दिखाई दे रहा है कन्फर्म कर लें, ये आपको यू आर एल हो जाएगा youtube.com/c/AmazingTechVideos। इसको हम यहाँ से कन्फर्म कर देंगे चॉइस पे अपनी, तो यहाँ से वर्किंग हो गई, हमारा अपडेट हो जाएगा यू आर एल ऑटोमेटिक। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो भी पूछना हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं कमेंट्स करके, और मेरे आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे ट्विटर पेज पे और मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे और मेरे टिकटॉक पे फॉलो करें। जो आपको पूछना हो कुछ भी कभी भी आप SMS करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
हूँ।